हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स प्रिटिपल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने टॉपिक लिया है कि आपके पार्टनर की डीप करंट एनर्जीज़ क्या हैं, ठीक है। और इसके अलावा उनकी करंट फीलिंग्स, इरादे, एक्शन, सभी चीज़ मैं देखने वाली हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपको आपके पार्टनर के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए, ठीक है। इसके अलावा रीडिंग में जाने से पहले ये भी बताना चाहती हूँ, ये रीडिंग्स जो होती हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, ये इंट्यूटिव रीडिंग होती है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि सारे मैसेजेस आपके लिए हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं तो उनके लिए भी हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जानकारी और देनी थी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे मैं करती हूँ, और एक दो क्वेश्चन के लिए रीडिंग नहीं लेती हूँ मैं, ठीक है। फुल रीडिंग आपको मिलेगी जो अमाउंट दिख रहा है, ठीक है। और एक वीडियो बना के आपके व्हाट्सएप नंबर पर मैं भेजूँगी, ठीक है। इसके अलावा अब्रॉड हैं आप, ठीक है, इंडिया से बाहर है तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग करा सकते हैं, मनी ट्रांजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑल राइट, सबसे पहले अपने इष्टदेव को याद कीजिए, उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ऑल राइट गाइज, सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं। देखिए जनरल रीडिंग में सभी साइन आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी क्योंकि आप लोग बहुत जिक्र करते हैं इस बात का, ठीक है। तो टॉरस, एक्वेरियस, और मेरे पास है टॉरस, मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एरीज, ठीक है, एरीज और सजिटेरियस, ये मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सारी साइन है, ठीक है, सारी साइंस के लिए रीडिंग हो रही है। कुछ कुछ के लिए एक्वेरियस और लियो भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबके लिए नहीं। ये जो मैंने कुछ खास बातें बताई वो है, ठीक है। आप देखिए, कुछ खास बातों में एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आई है। देखिए यहाँ पे आपका कहीं मे में बर्थ हुआ लगता है, आपके आपके पार्टनर का, आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं तो उनका बर्थ हुआ होगा, ठीक है, मे में हुआ होगा। या फिर मुझे लगता है कि देखिए जनवरी में किसी का लग रहा है, या फिर मुझे लगता है कि जैसे कि सेप्टेम्बर में किसी का लग रहा है, दिसंबर में कभी लग रहा है किसी का, अक्टूबर में भी बहुत से लोगों का लग रहा है, ठीक है। जी हाँ, ये नंबर बहुत मंथ लग रहा है मुझे, ठीक है। तो चलिए इनके एनर्जी देख लेते हैं सबसे पहले, कि इनकी मैंने आज का टॉपिक रखा था उसको मैं दोबारा जिक्र इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको इस टॉपिक का ध्यान रहे, ठीक है। आज हमारा टॉपिक था उनकी डीप एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, ठीक है। एनर्जीज़ का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लें, थोड़ा सा समझ जाऊँगी, ठीक है, आपको मतलब समझ आ जाएगा। एनर्जीज़ का मतलब होता है वो आपको लेके इन दिनों क्या क्या मतलब क्या एनर्जी है उनकी, ठीक है, आपको लेके मतलब किस मूड में है। देखिए प्यार तो था ही, लेकिन अब क्या मूड है, ठीक है, वो हम चेक करने वाले। तो एनर्जीज हम गैच कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे जैसे कोई बंधा हुआ फील करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप आज के लिए आप मुझे लगता है कि किसी ने ग्रे कलर पहन रखा है, ठीक है, कोई मेल पर्सन है जिन्होंने ग्रे कलर पहन रखा है, और ग्रे कलर की शर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ग्रे कलर का आपने ज़रूर पहना होगा, ठीक है। ये बहुत ऑल टाइड अप जैसी एनर्जी होती है ना हमारे कार्ड्स में, उसी तरह मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बहुत बंधा हुआ फील करते हैं, अपने आप के लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले एनर्जी मुझे देख पा रही हूँ कि बहुत बंधन फील करते हैं, अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनको आने वाले तूफानों से डर लगता है, ठीक है। आने वाली जैसे कोई आपके लिए एक्शन ले तो आपके लिए कोई आफत ना खड़ी हो जाए, इस तरह से मैं इस कार्ड को, इस तरह से एनर्जी को लूँगी। यहाँ पे देखिए आपके लिए जो डिज़ायर्स हैं बहुत बहुत मतलब बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं, लेकिन इनके मतलब इनके दिल में आपके लिए रेस्पेक्ट और प्यार भी है, लेकिन कुछ कुछ इंटीमेसी वगैरह भी फील करते हैं, ठीक है। ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन प्लानिंग से पहले इनको डर लगता है कि कहीं ये प्लानिंग आपके लिए कोई खतरा ना बन जाए, ठीक है। ये कैसी सिचुएशन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे आपके साथ सक्सेस देखते हैं। और देखिए मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग दूरियाँ हो गई आप में, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एनर्जी में ये है इनकी कि ये ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगता है कि आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत दिनों से इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है, या तो देखिए बहुत कुछ ऐसा भी लग रहा है, कुछ हेल्थ इशूज़ इनके इनके आसपास है, ठीक है। ये बहुत कुछ आपसे छुपाते भी हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है,
मैं सिर्फ एनर्जी कैच कर रही हूँ, ठीक है। आप अपनी तरफ से देखिएगा कि आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, ठीक है। ये इंडिसीजन में भी है, इनके पास दो ऑप्शन है, लेकिन ये हमेशा आपको प्रायोरिटी देते हैं और आपकी बातों को समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पे प्रायोरिटी की बात कहूँ तो प्रायोरिटी तो ये किसी और को भी देते हैं, लेकिन ये जैसे कि ना ऑप्शन के रूप में आपको ले रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत है, आपकी वैल्यू बहुत है इनके दिल में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना चाहते हैं। कुछ हेल्थ इशूज़ भी मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के कुछ हेल्थ इशूज़ हैं जो कि आपको नहीं बताना चाहते, ठीक है। ये कोई सीक्रेट हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा बड़ा मसला मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बहुत छोटे हिसाब से मैं बीमारी कुछ हो सकती है, ठीक है, जिसको ये आपसे छुपा रहे हैं और कहीं ना कहीं कंटिन्यू, मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी की मेडिसिन चल रही है, कुछ रूटीन, मतलब जैसे कहते हैं ना रूटीन फॉलो करना है हमको, उस तरह से चल रहा है, तो ऐसी एनर्जी में है आपको लेके। देखिए करंट फीलिंग्स में क्या है, देखिए ये मुझे लग रहा है, अब मैं बताती हूँ आपको करंट फीलिंग्स क्या है इनकी। देखिए सबसे पहले करंट फीलिंग्स का मतलब क्या होता है, आप डीपली अगर इस चीज़ को देखें तो फीलिंग्स, हम फील किसके लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो हम फॉलो करते हैं नहीं करते, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, लेकिन इरादे जो होते हैं सबके पक्के होते हैं। इरादे का मतलब अपने जो अपने हम हमारे एम हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं, उन पर हम अमल ज़रूर करते हैं, क्योंकि इरादे हमारे माइंड में होते हैं और फीलिंग्स हमारे दिल में होती हैं। हम दिमाग से उसको सोच तो लेते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करेंगे नहीं करेंगे उसके लिए श्योर नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फीलिंग्स बताने जा रही हूँ, उनकी फीलिंग्स शायद ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं आपके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं आपको लेके, और जैसे कोई कहते हैं ना कि किसी ने अपनी फीलिंग्स को अभी तक आपको टोटली बताया नहीं कि आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। जैसे कि हमारे कार्ड्स में होता है किंग ऑफ कप्स, जो कि बहुत मतलब छुपाता है अपनी चीज़ों को, लेकिन होता उसके मन में जेन्युइन प्यार है किसी के लिए, मुझे ऐसा ही लग रहा है। देखिए इनकी जो जैसे कहते हैं ना किसी ने बनाए तो रेड हार्ट है, लेकिन उसको ग्रे कलर कर दिया, जैसे यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि ग्रे कलर का हार्ट, यानी कि अपनी फीलिंग्स को दबा दिया उसने, ठीक है। रेड कलर की फीलिंग्स यानी कि बहुत बहुत उमदा विचार, उमदा ये इस तरह का, लेकिन उसको छुपा रहा है कोई, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ इन्होंने ढेरों सारे सपने संजोए हैं, ठीक है। आपका क्या रिलेशनशिप है ये मैं थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टकनेस कोई थर्ड पार्टी ही लग रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके साथ कोई कमिटमेंट देने की बातें आती है, तो इनको बहुत सारे ख्वाब आते हैं, ये डेफिनेटली कोई फैमिली ड्रामा में फंसे हुए हैं, ठीक है, फैमिली ड्रामा फेस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि आसमानों में जैसे कोई ख्वाबों में देखते हैं ना कि हम अकेले कहीं चले जाएं, इस तरह की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। ये अकेले आपके लिए ये सोचते रहते हैं कि डेफिनेटली आपके साथ कहीं चले जाएं तो अच्छा है, ये फैमिली ड्रामा तो फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देने की सोचते हैं, और इसलिए लगता है कि इनको कि एक ख्वाब देख रहा हूँ मैं, जैसे इनके फीलिंग्स में बहुत सारे ख्वाब हैं। एक्चुअली ये उन ख्वाबों को जानते हैं कि शायद ये सच नहीं होंगे, लेकिन ये ख्वाब बहुत ज़्यादा देखते हैं आपके लिए, ठीक है। करंट फीलिंग्स में मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने जैसे कहते हैं ना कि फॉर बहुत सारा ड्रामा फेस किया, इनकी सच्चाई ये है कि इन्होंने स्ट्रगल बहुत देखी है अपने जीवन में पर्सनल लाइफ को लेके, ठीक है। स्ट्रगल कैसी अब मैं बताना चाहूँगी थोड़ा सा, कि या तो इनकी पर्सनल लाइफ सही नहीं है, या फिर इनका जो घर गृहस्थी उसमें मन नहीं लगता, या फिर ये किसी मतलब जैसे ऐसे इंसान को चाहते थे जो इनको नहीं मिला, जो कि आप में ये देखते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कंपेरिजन भी बहुत करते हैं किसी और से आपका, ठीक है। और ये चाहते हैं कि हम कहीं चले जाएँ तो हमारी मतलब फ्रीडम चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, फ्रीडम मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है, फ्रीडम से हम कुछ भी कर पाएँ, चाहे आसमां को छू लें, इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा आपको जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ का वेट करते रहते हैं आपके कॉल या मैसेज का, और इन्हें हमेशा चाहे जिक्र नहीं करते हो, हमेशा आपके कॉल या मैसेज का वेट होता है। ये जैसे कहते हैं ना कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वैसी हालत है, जैसे कि ये मतलब जैसे कहते हैं जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी, ऐसा मैं इनकी करंट फीलिंग्स में जैसे मैं कह रही हूँ बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं आपके लिए, उसी तरह ये बहुत ज़्यादा जैसे ऐसे कहते हैं ना कि हर फील्ड में नई शुरुआत तभी कर पाएंगे जब आप इनकी ज़िंदगी में होंगे, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ पर इनकी मतलब सारे ड्रीम्स पूरे हों, ऐसे ही मतलब यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको एक नई शुरुआत आपसे एक पैशनेट स्टार्ट हो, ठीक है, क्योंकि कुछ बातें आपने भी इनसे कही है जो कि इनको बहुत सच लगती है, ठीक है। अब इनके इरादे बताने जा रही हूँ मैं, गौर से सुनिएगा। इरादे हम वो इरादे का मतलब होता है कि जो हम करने की वाकई में इच्छा रखते हैं, ठीक है। इरादों में मुझे लगता है कि कोई मैजिक कर देना चाहते हैं। देखिए मैजिक हमेशा अभी क्या मैजिक हो सकता है सबके लिए डिफर करेगा ये, लेकिन कोई नई शुरुआत के लिए कुछ ऐसा प्लानिंग करेंगे या मैजिक करेंगे। मैजिक से मतलब मेरा है कि कोई प्लानिंग है इनके दिमाग में, ठीक है, आपके लिए, ठीक है, आपसे नई शुरुआत के लिए कोई प्लानिंग देख पा रही हूँ। और ये जैसे कोई जीतना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, जीत हासिल करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। और ये जैसे कैसे कि कोई अपनी नाव को
पार लगाना चाहता है। जैसे कि अभी तक इनकी नाव जो है, जैसे कहते हैं ना कि मझधार में फंसी हुई थी, अभी अपनी नाव को पार लगाना चाहते हैं। और ये इनके पर्सनल लाइफ है, ठीक है। ये दर बदर जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, यानी कि इनकी काफ़ी अच्छी एज होगी, लेकिन ये जैसे जैसे बड़े होंगे इनको ये फील होने लगा है कि ज़िंदगी में अगर जीना है, बहुत नज़दीक है, कब कब क्या कुछ हो जाए ज़िंदगी में, अगला पल किसी ने नहीं दिखा, तो इस पल को जी लें, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पर एक सॉन्ग भी था, इस पल को जी लें, ये कौन सा सॉन्ग है आई डोंट नो, लेकिन मुझे अभी जस्ट क्लिक हुआ, इस पल को जी ले जरा, ये कौन सा सॉन्ग है आई डोंट नो, बस मुझे एक एक लाइन सुनाई देती है। आप मुझे बताइएगा कि अगर आपके कोई जहन में है ऐसा कोई सॉन्ग, ठीक है, इस पल को जी ले जरा। बहुत डिफरेंट गाने आते हैं, मैं गाने कम सुनती हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम कम रहता है, लेकिन मुझे शौक बहुत है, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये एनर्जी इसीलिए बताती हूँ क्योंकि इस पल को जी ले ज़रा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपके साथ ये डिज़ायर्स रखते हैं, जिस तरह का जीवन ही चाहते हैं वो आपसे डिज़ायर करते हैं, ठीक है। ये आपसे एक स्टेबिलिटी चाहते हैं और एक नई शुरुआत चाहते हैं। देख, नई शुरुआत के लिए तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि बार बार कोई न्यू बिगनिंग, बार बार कोई न्यू बिगनिंग, जैसे कोई तह दर तह कुछ आपके लिए प्लान करता जा रहा है, ठीक है। इनके कार्ड्स में तो क्या, इनकी थिंकिंग में, इनके इरादों में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानकारी रखते हैं और ये कहीं ना कहीं एक इनिशिएट देना चाहते हैं, आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं। किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों का बर्थडे पास है तो ये बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट सजेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ करना चाहते हैं, मतलब इनको क्या है कि आपने बहुत कुछ कर लिया। देखिए थोड़ा बैक में जाऊँगी, इन्होंने देखिए क्या है, इनकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आपने बहुत कुछ किया है, आपने कहा भी है कि आपने कभी कुछ डिमांड नहीं करी, लेकिन इस रिलेशनशिप को करने में आपने बहुत ज़्यादा मदद की है, ठीक है। ये मदद किसी भी तरह से होता है, इन्होंने आपने एडजस्ट भी किया है, लेकिन अब ये खुद ये बातें जानते हैं कि इन्होंने आपके लिए, आपने इन्होंने इनके लिए बहुत कुछ किया है, तो अब इनकी बारी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ये थोड़े समझदार कम लगते हैं रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन फिर भी ये आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाएंगे। हो सकता है कि आपके मतलब का नहीं हो, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, कि आपको कुछ देना चाहिए, इनका बनता है, मतलब इतना तो बनता है, ठीक है। अगेन मुझे देखिए यहाँ पे जैसे कोई आकृति आई है, जैसे कहते हैं ना कि गजराज, ठीक है, गज यानी कि हाथी, हाथी यानी कि एक भारी भरकम कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, जैसे कोई गिफ्ट हो सकता है आपके लिए, ऐसा कुछ गिफ्ट जो कि आपको शायद आपको पसंद आए, लेकिन इनकी तरफ से कोई ऐसा गिफ्ट आ सकता है जो कि यूज़फुल तो नहीं होगा, लेकिन एक अपनी मन की होती है ना, कोई मन की देना चाहता है बस वैसे ही, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस नहीं इन बातों का, ठीक है। मैं यहाँ पर यही कहूँगी क्योंकि इनको आइडिया नहीं कि क्या देना चाहिए, लेकिन कुछ गिफ्ट प्लान हो रही है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर एक बात और मैं जानती हूँ, यहाँ पर देखिए कोई ना कोई शुभ काम जरूर होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके रिलेशनशिप में गजराज की एनर्जी यानी कि श्री श्री गणेश जी भगवान की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ ना कुछ अच्छा नयापन जरूर आने वाला है। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा भी लगता है कि आपसे कम्युनिकेट करने का इनका इरादा है। हो सकता है कि ये स्टक हैं किसी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ फील करते हैं, लेकिन फिर भी आपसे बात करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और ये जैसे कि लेफ्ट आउट फील करें कि आपने इनको बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया है, मुझे लगता है कि जब लास्ट आपकी मीटिंग हुई तो ऐसा ही लगा होगा इनको कि आपने बहुत कोल्ड बिहेव किया है, आपकी बातों से इनको लगा कि आप शायद कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना, लेफ्ट आउट सा फील किया इन्होंने, इस तरह से ही ये कोल्ड बिहेवियर से थोड़ा सा इनको जगलिंग हो रही है और ये आपके लिए कुछ कर देना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने फोर ग्रांटेड लिया था आपको, लेकिन अब ये आपके लिए सीरियस हो रहे हैं तो आप इनको थोड़ा फोर ग्रांटेड ले रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी एनर्जी चेंज हो रही है, देखिए डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी होती है वो चेंज होती है कई बार, ठीक है। जो एनर्जी आप मेल की जानते हैं वो फीमेल की भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि अब आप रिवर्स हो रहे हैं, यानी कि आपकी जो एनर्जी थी वो इनके अंदर आ रही है और इनकी जो एनर्जी थी आपके अंदर आ रही है। जैसे मैंने कहा कि डिवाइन फेमिनाइन थोड़ी चेंज हो रही है, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब मैं इसको कैंडल को रखने की कोशिश करती हूँ, वेट अ मिनट गाइस, थोड़ा सा रख देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, कई बार ये गिर भी जाती है तो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन एनीवेज यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या हो सकता है कि आपके कोल्ड बिहेवियर से थोड़ा सा इनको दिमाग में झटका लगा है, जैसे कहते हैं ना चुटकी कि कुछ ना कुछ खटक रहा है इनको, अब ये चाहते हैं कि आपके लिए कुछ करें और इनके दिल में वाकई में आपके लिए प्यार है, लेकिन कोई कहते हैं ना कि कोई बेपरवाह है आपके लिए, लेकिन अब ये सीरियस होने लगे हैं क्योंकि इन्होंने आपने इनको झटका दे दिया। वो झटका क्या था आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, अगर आप बताना चाहते हैं तो, शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिएगा। आपने जो झटका दिया है उनसे इनको थोड़ा सा ऐसा लगने लगा है कि आप
थोड़ा सा अब इनको जैसे कहते हैं ना कि लाइटली लेने लगे हैं, पहले सीरियस थे अब लाइटली लेने लगे हैं। और आपके वर्कआउट से भी ये बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कैसे कहते हैं ना कि कोई और तो नहीं पसंद आ गया, कोई शक वाली बातें इनके मतलब इरादे में मुझे लग रहा है कि आप इनको थोड़ा सा ऐसे फील होता है कि कहीं और तो नहीं कोई आपकी लाइफ में, ठीक है, इनके अलावा तो नहीं कोई आप, मतलब ऐसे इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं इनके मन में। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको कोई गिफ्ट आने वाला है जो आप शायद ऐसा गिफ्ट शायद आपके काम का नहीं होगा लेकिन इनको बिना एक्सपीरियंस के आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा मुझे आप शेयर कर सकते हैं बात भी क्योंकि मुझे लगता है किसी ने किसी का बर्थडे आने वाला है जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई ना कोई ऐसा कोई डे आने वाला है स्पेशल जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। लिटरली राखी का त्यौहार आ रहा है लेकिन राखी के बारे में ये चीज़ नहीं मुझे दिखाई दे रही, आपके रिलेशनशिप के बारे में दिखाई दे रही। तो मुझे लगता है कि आसपास हो सकता है, उससे आगे हो सकता है, ठीक है, आपके लिए गिफ्ट ज़रूर आने वाला है। ये कुछ दिमाग में प्लान कर रहे हैं आपके लिए क्योंकि इनको लगता है कि इनकी तरफ से कोई, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई फिक्स और कोई ऐसी ऊर्जा नहीं थी कि जो आपको कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि विश्वास दिलाए, तो अब ये विश्वास दिलाने के लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। इनके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एक्शन में मुझे सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि कुछ बातें, कुछ पैटर्न्स जो इनके चलते आ रहे थे वो आप त्याग देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने इनको सिखाया है कि सच बोलना। मुझे देखिए बहुत सारी बातें, देखिए सच तो आप ये छोटी सी बात लगती है लेकिन हमेशा हम अपनी, आप भी नोटिस करेंगे हम बात बात में झूठ बोलते हैं, ठीक है। अगर हमको किसी को थोड़ा सा भी मतलब कहना हो, किसी को कॉन्फिडेंस में लाना हो तो हम छोटा सा झूठ बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा झूठ ये हमेशा बोलते हैं ऐसा मुझे हमें लग रहा है, ठीक है। लेकिन आप इनके झूठ या सच को पकड़ लेते हो। अब इन्होंने शायद आपने कोई कुछ बातें ऐसी कही होगी जो इनके दिल में थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि पिंच कर गई, तो ये आपको ये बताना चाहते हैं कि जो इन्होंने कहा वो सही है, कुछ बातों को, पैटर्न्स को ये चेंज करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे कि सबसे पहले मुझे लगा कि झूठ बोलना, ठीक है, बात बात पे छोटी छोटी झूठ ये आपको इनकी पकड़े जाते हैं और ये डेफिनेटली बोल नहीं पाते, ठीक है। यहाँ पर पहली बात तो ये लग रहा है इनमें थोड़े से चेंज आएंगे, कुछ पैटर्न्स, कुछ बातें ये बदलने वाले अपने जीवन में से, ठीक है। कुछ बातें इनकी ऐसी थी जो कि आपको अच्छी नहीं लगती थी, तो इनको ये पता है कि आपको क्या बात अच्छी नहीं लगती, तो वो चीज़ें चेंज होने को है। और ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं रॉयल्टी इनमें आने वाली, यानी कि रॉयल्टी से मेरा मतलब है अपने आप को कुछ चेंज करके बताने वाले हैं आपको, ठीक है। ये पहले शायद ख्वाबों में जीते थे लेकिन अब असलियत में जीना शुरू किया है इन्होंने, ठीक है, क्योंकि आपने इनको असलियत बताई कि असलियत ख्वाबों में नहीं है, जो प्रैक्टिकल होता है वो असलियत है। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करने वाले हैं और मुझे आपको मिस भी करते नज़र आ रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप या तो अलग अलग शहर में रहते हैं, नौकरी के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में आप दूर रहते हैं, ठीक है, और या आप में ऐसा कुछ नहीं है तो ये दूरियाँ बनती जा रही है, ठीक है। और इनको ये फील होता है कि जब आपने पिंच किया तो, या लास्ट टाइम मिले तो इनको ये खटक गई मन में कि यस आपको थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं इनकी बातों को, ठीक है। इस बात से इनसिक्योर हो गए और ये चाहे ऐसी दूरियां हैं चाहे वो डिस्टेंस की दूरियां हैं ये कम करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी वाला कोई गिफ्ट आपके पास आने वाला है बार बार मुझे ये लग रहा है, ठीक है। और ये गिफ्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा क्योंकि इनके गिफ्ट वाली मैंने एनर्जी बताई कि इनका एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे ही कुछ आएगा जो कि आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है। और ये कुछ भी करके, एक्चुअली इनके एक्शन क्या होंगे तो एक्शन में मुझे ये लग रहा है कुछ भी करके इनसिक्योरिटीज़ इनके मन में हैं वो आपके लिए, मतलब जैसे सिक्योर करने के लिए, आपके रिलेशनशिप को सिक्योर करने के लिए मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये कैंडल जलने दीजिए, मैं थोड़े से मैसेजेस आज मैं आपके लिए लूँगी, ठीक है। आज तक की बस ये रीडिंग है लेकिन मैसेजेस आपके लिए ज़रूर लूँगी। वेट अ मिनट गाइस, आज आपको ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया इनके कार्ड्स में मुझे इनसिक्योरिटीज़ पता चल रही है, ठीक है। इनकी इनसिक्योरिटीज़ किस बात को लेके वो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं तो मैसेजेस में वो चीज़ें हमारे सामने आएगी, तो लीजिए आपके लिए, ठीक है, मैसेजेस हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इधर करूँगी, ठीक है, चलिए देखते हैं इनके मैसेज क्या हैं। यू मस्ट गाइड कीजिए, जो गिरेगा हम लेंगे, बहुत ज़्यादा मैं नहीं लूँगी। मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर के, पार्टनर के, आज जिनकी एनर्जी उनके लिए मैसेज क्या है। ये तो बहुत सारे हैं, माय गॉड, जो भी गिरेगा हम लेंगे। ऑल राइट, बहुत हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेंडशिप्स लीड्स टू लव, ये देखिए आपके लिए, चलिए रखते जाते हैं हम बार वन बाय वन। आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक, ये आपके साथ अपना जो पुराना टाइम था या पहली वाली पोजीशन को पाना चाहते थे। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हमारा जैसा रिलेशनशिप पहले था वैसा ही हो जाए। आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, यस मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं या फिर इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स। ये देखिए मैंने अभी प्रॉब्लम्स की बात कही और ये आ गया, ठीक है। ये सॉन्ग है तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, जिस तरह से आप इनको प्यार करते हो कोई नहीं करता, आई लव यू, ये देखिए आपके लिए।
तो यहाँ पे आपको याद ज़रूर करें, यू आर द वन, आप बहुत बिल्कुल एक हैं, किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, यस आप इनको बेहतर तरीके से समझते हो, इसीलिए तो आप इनकी गलतियाँ पकड़ लेते हो। यू आर ऑलवेज नो हाउ टू लिफ्ट मी अप, आप हमेशा जानते हैं कि इनकी सच्चाई और झूठ क्या है और इनको लिफ्ट अप करते हो आप। समा ये सुहाना, अकेले तुम हो अकेले हम हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे अकेले मीटिंग करना चाहते हैं। यू आर द बेस्ट, ओके चलो तुमको लेकर चले हम, ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, ठीक है, हम उन फिजाओं में। आई लव यू जस्ट द वे यू आर, जिस तरह से भी आप दिखते हैं या जिस तरह की अभी आपकी लुकिंग्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं इनको, ठीक है। सोलमेट, वाओ, कोई जर्नी हो सकती है लिटरली किसी के लिए। मेरे दिल, ओके ये वाला सॉन्ग मेरे दिल में आज, नहीं नहीं राग थोड़ी चेंज कर लेते, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ। तो आज तक की इसके साथ ही मैं इस रीडिंग को एंड करने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ भी शेयर करना चाहते हैं इनके लिए, आपके पार्टनर के लिए कुछ भी, आप अपनी रीडिंग्स में आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ कहना चाहते हैं बिल्कुल दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भर भर के लाइक्स दीजिएगा, ठीक है, और क्लेम कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है, अगर आपसे मिलती है, ठीक है। और क्या करना है, लाइक देने के साथ आप शेयर कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, ये रीडिंग शेयर करके आप उनको समझा सकते हैं, और ये भी है कि आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके सब्सक्रिप्शन का वेट करती हूँ, आपके लाइक्स का वेट करती हूँ, जैसे आप मेरी रीडिंग्स का वेट करते हैं मैं भी आपका वेट करती हूँ, ठीक है। तो आप मेरा हमेशा की तरह वेट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।